हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु, ओडिशा आश्रम स्कूल तरफ रु एही वर्षर एक बहुत बड़ नियुक्ति आसी अछि। देखि परथिबे जे एथि पई कोनसी प्रकार परीक्षा नाही, नो एग्जाम रहिबो, केवल आपणकर मार्क अनुसार एथिरे आपणकु सिलेक्शन करा जिवो। जदि आपणकर क्वालिफिकेशन दशम प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास भी थिबो, तबे एथिरे अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स जदि आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाउछंती तो मंथली बेसीस आपंक 25,000 पर्यंत दरमा भी मिल पार, जहाँकि एक बहुत भल दरमा रखु। ये डिफरेन्ट टाइप पोस्ट रही, आपण मैंने निजर क्वालिफिकेशन योग्यता अनुसार जो पोस्ट अप्लाई करेंगे से पोस्ट अनुजाई आपंक दरमा पे कर। फ्रेंड्स देखिपे जे ए नो एग्जाम रही, कौन सी प्रकार एग्जाम ना, केवल आपंकर मार्क अनुसार ही आपंक सिलेक्शन करा जिवो। एथिपे नो फी मध्य रही, आपंक टाटे भी फ्री आप्लिकेसन फी देवार आवश्यक ना, फ्री आपड़े आप्लाय करें। सबुठ बड़ कथा जे आपण मैने निज मोबाइल भी पोस्ट आप्लाय करें, जेहेतु ये अनलाइन मोड रेणु निज मोबाइल भी पोस्ट आप्लाय करें। फ्रेंड्स आपण मैंने किपर आप्लाय करेंगे, आप्लाय कर फुल प्रोसेस मुझको भिडियो शेष में कहबी। जदि आपण मैंने आप्लाय करने इंटरेस्ट रखुं तेब भिडटी को शेष पर्यटन देखने। चलतु प्रथम आलोचना करे जे कौन रही यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण मैंने निज जिलार आसुवा यही नुआ नुआ सरकारी जब्र न्यूज पाइबा चाहते, तेब आम चैनल टी सब्सक्राइब करनी, भिडटी को भी गोटे लाइक करनी। फ्रेंड्स देखु यही पोस्ट में क्यों मैंने आप्लाय करें, ऑल ओडिशा रा पिला मैंने आप्लाय करें, आम ओडिशा रा सबु जिलार पिला मैंने यही पोस्ट आप्लाय करें। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रही, उभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने भी यही पोस्ट आप्लाय करें। जदि आम सैलरी कथा कह तेब 10,200 आरंभ कर 25,100 पर्यंत आपंक मंथली सैलरी मिल पार, जहाँकि एक बहुत भल सैलरी रही। आम जॉब टाइप कथा कह तेब यह एक परमानेंट जॉब रेक्स्ट आस पोस्ट नेम। तो फ्रेंड्स देखो ये डिफरेन्ट टाइप पोस्ट रपरिक केस वर्कर पर पोस्ट रही, सोशल वर्कर पर पोस्ट रोक, एएनएम सहित जेएनएम पर वैकेंसी रही, हेल्पर और हाउस कीपर पर वैकेंसी रही। आपण मैंने ये सब पोस्ट अप्लाई करें। ये गला पोस्ट नेम। नेक्स्ट आस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स देखनी जे आपण कौन सब योग्यता क्वालिफिकेशन थी यही पोस्ट अप्लाई करेंगे। जदि आपण क्वालिफिकेशन मेट्रिक प्लस टू कि ग्रेजुएशन पास थी तेज पोस्ट अप्लाई करेंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स यही समस्त स्ट्रीम्र पाने अप्लाई करेंगे। जदि आपण मैंने एएनएम कि जीएनएम कोर्स भी करेंगे तेज आपण वैकेंसी रोचे, आपण मैंने भी अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आसूँ आप्लिकेसन फी। तो देखो कौन सब फी रही, तो नो फी रही आपण के कौन सी प्रकार आप्लिकेसन फी पे कर आवश्यक ना, जेनराल ओबीसी एससी एसटी सबू कास्ट पाने फ्री अप्लाय करें, कारण समस्त फ्री रही। यहाँ पर आसूँ एज लिमिट। तो फ्रेंड्स देखु एथपाई कौन सब एज बा बयस सीमा रही, आपणकर मिनिमम बयसटी 21 वर्ष बयस हो जा तेब पोस्ट अप्लाय करें, मैक्सिमम ए 45 वर्ष बयस रदि आपण कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी होती तेज आपण अतिरिक्त ए सुविधा भी मिल पार। देखिपे ओबीसी एससी बीसी मानक तीन वर्ष, एससी एसटी मानक अतिरिक्त 5 वर्ष, फिजिकल हैंडिकैप्ट पिला अतिरिक्त 10 वर्ष सुविधा मिल पार। फ्रेंड्स नेक्स्ट आसुच्छे सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रही, तो मार्क बेसीस रही, नो एग्जाम रोसी प्रकार एग्जाम देवार आवश्यक ना, केवल इंटरव्यू द्वारा ही आपको ये सिलेक्शन होपणकर मार्क और इंटरव्यू रार्क अनुसार सिलेक्शन होदि आपण सिलेक्शन होपर सर्टिफिकेट भेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भेरिफिकेशन र, तो पिला माने यही सब प्रोसेस द्वारा ही आपण मैंने सिलेक्शन टी पाई। यहाँ पर आसूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो देखो जेहेतु यह एक ऑनलाइन प्रोसेस, तेणु अप्लाई कला समय आपण को आपण पाखे किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही सब थी आवश्यक पड़ो। जदि आपण सब डॉक्यूमेंट नेबे आपणकर फॉर्म टी रिजेक्ट भी हो पाए, कि आपणकर जो फॉर्म थी से आपने अप्लाई कला समय रिजेक्ट हम, मानते आपंकर जो फॉर्म थी से फॉर्म टी से माने एक्सेप्ट करेंगे ना। तो देखो कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़े थोड़े देखने, यापर
आप्लाई कला समय यह सब डॉक्यूमेंट को अटैच कर सेंड करेंगे। पिला प्रथम रही आप ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और तर मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट देखो जदि पीडीएफ नथिबो तबे कौन करेंगे ना बायोडाटा फॉर्म रे सब गुड़िक फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर सेंड करेंगे मुझक कहबी आप्लाई प्रोसेस टी शेष पर्यटन देखने यापर फोटो देखो जो मेनसन अच्छी रेसीडेंट सर्टिफिकेट यह आवश्यक ना सिलेक्शन है मागती तो दरकार पड़े आप्लाय कला समय आवश्यक ना कास्ट सर्टिफिकेट भी आवश्यक ना देखो केवल मेनसन करेबे आपंकर कास्ट कौन बास ये चलो जदि मागती से सिलेक्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आवश्यक पड़पे कि आप्लाय कला समय आवश्यक ना। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड नंबर थी कि भोटर कार्ड नंबर थी कि पैन कार्ड नंबर थी तीनोट मधर जहाँ भी आपंकर गोटे आईडी प्रूफ थी से आईडी प्रूफ निजर प्रमाणपत्र भाव में तार नंबर टी एंटर करें। तो फ्रेंड्स यही चारु पांचटी डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो जिते बार आप्लाई करेंगे। यह पर आसुच्छी आप्लिकेसन मोड। तो फ्रेंड्स देखो एथपाई तो ऑनलाइन प्रोसेस रही आपण मैंने इमेल मध्यम एप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग डेट देखो तो जहाँकि स्टार्ट हो सारी अलरेडी तो पे चलतु आउ डेरी नक आलोचना करवा जे आपण मैंने किपर एप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स आपण मैंने किपर आप्लाई करेंगे आप्लाई कर फुल प्रोसेस टी मुझे कहबी एथपाई आपण मैंने ये भिडियोटी शेष पर्यटन देखने। प्रथम आपण मैंने निज मोबाइल थिबा गूगल टी ओपन करेंगे। ओपन कलापर आप सर्च बॉक्स ऑप्शन टी शो हे सिंपली क्लिक कर सर्च करेंगे। सिंपली टाइप करेंगे ओडिशा देन स्पेस लिखे जीओवीटी देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन। फ्रेंड्स देखिपे जेठा मुझे कौन टाइप कले सिंपली आप टाइप करेंगे। टाइप कलापर पाखर या सर्च बटन उपरे क्लिक करेंगे। देखो सर्च बटन उपरे क्लिक कलापर आपण सम्मुखें ओडिशा जिओ भिटी जॉब रो साइट आपेन हो। तो फ्रेंड्स सिंपली आपने साइट रो लिंक उपरे क्लिक करूँ। देखो डॉट इन जो साइट रे देखा मिले सिंपली से साइट उपरे क्लिक करेंगे अलग साइट उपरे क्लिक करेंगे ना। देखो साइट उपरे क्लिक कलापर आपण सम्मुखें ओडिशा जिओ भिटी जॉब्स रो साइट ओपन हो एक रेड कलर रे सिंबल भी देखा। फ्रेंड्स जदि आपन को किसी भी जना पड़ना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे भी यार अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर देती सेठा को जाइबे चेक करें। यहाँ टी तौक आसवे आपण भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब ऑप्शन गुड़िक सो हे जपरिक मैट्रिक पास जॉब प्लस टू पास जॉब ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यही भाव में डिफरेंट टाइप ऑप्शन गुड़िक सो हे आपण मैंने निजर क्वालिफिकेशन अनुसार भी अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो एटर एक ऑप्शन अच्छे पंचायत लेवल जॉब। तो सिंपली आप पंचायत लेवल जॉब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखो क्लिक कलापर टी वेट करेंगे जहाँ भी पंचायत स्तर वैकेंसी आसी थाए तहार अपडेट आपंक देखा मिले। तो फ्रेंड्स देखो आपण को प्रथम ही ओडिशा ग्राम पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन देखा मिलू। तो सिंपली आप नोटिफिकेशन लिंक उपरे क्लिक करेंगे। तो पिला देखु क्लिक कलापर आपण को जो आसी शिशु सुरक्षा विभाग व आपण रही सीसीआई डिपार्टमेंट तरफ आके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 क
ଉପରେ ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବ, 20 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା 20 ଜୁନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 12 AM ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ତ କହିସାରିଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଅଛି, ସିମ୍ପଲି PDFଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ 12ଟା ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରିଜ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା 12ଟା ଫର୍ମ ଥିବ ତେବେ ସେଇ ଫର୍ମଟିକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, 12ଟା ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ 12ଟା ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଏକ ଫର୍ମଟି ଓପେନ୍ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ 12ଟା କିମ୍ବା ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଥିବ ତେବେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଫଟୋଟିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ନେମ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର PDF PDF କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ PDF କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ PDF ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ କପି କରିବେ। କପି କଲା ପରେ ଟୁରେ ଲେଖିବେ, ଲେଖି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡ଼ାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର PDF ଫର୍ମାଟ୍ଟିକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ NGO ଜବ୍ ରହିବ, ଏହା ପିଓରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ NGO ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଏ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ।